गाइज, आज मैं सैमसंग के एक ऐसे फ्लैगशिप मोबाइल फ़ोन के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि आपको 30,000 रुपये से कम प्राइस रेट पे मिल सकता है। और इस फ़ोन में बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं जो कि सैमसंग के एडवांस फ़ोन हैं फ्लैगशिप वाले, जैसे कि S24 अल्ट्रा, S23 अल्ट्रा, वो सारे फीचर्स आपको इस फ़ोन में भी मिलते हैं, जैसे कि वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, उसके साथ साथ वाटरप्रूफिंग एंड उसके साथ ही बेस्ट कैमरा एक्सपीरियंस, बेस्ट परफॉर्मिंग फ़ोन। तो ये सारे टैग इस फ़ोन को मिल चुके हैं और सैमसंग की जो सबसे सस्ती सीरीज में फ्लैगशिप फ़ोन आता है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला भी फ़ोन यही है। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग के S21 FE के बारे में। बहुत सारे लोगों की गलत अफवाहें हैं, उनको आज दूर करेंगे, बताते हैं इसका बैटरी बेकार है या फिर ये फ़ोन हीट करता है, उसके बारे में भी पूरी डिटेल में आज बात करने वाले हैं कि किन लोगों के लिए ये फ़ोन बढ़िया है, कौन से लोग इस फ़ोन से दूर रहें, तो सारी चीज़ों के बारे में आज आपको बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले फ़ोन के बारे में बात करते हैं। तो ये जो फ़ोन है वो है मेरा 8GB रैम 128GB रोम के साथ में। उसके साथ साथ अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो सैमसंग के S21 FE में पहले तो दूसरा प्रोसेसर दिया जाता था, एक्सनोस का 2100 प्रोसेसर, जो कि हीटिंग के लिए काफ़ी जाना जाता था, लेकिन इसको रिप्लेस करके सैमसंग ने इस फ़ोन में डाल दिए हैं स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर, जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और 2.84 GHz पे वर्क करता है। तो फ़ोन का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। आप अगर ठीक ठाक गेमिंग करते हैं, मतलब थोड़ी बहुत अच्छे खासे वर्क करते हैं फ़ोन पे, तो आपका फ़ोन स्मूथली वर्क करता रहेगा। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में। तो ये एक कॉम्पैक्ट फ़ोन है, इसलिए इसमें डिस्प्ले छोटा है, 6.4 इंचेस का डायनेमिक एमोलेड 2X डिस्प्ले, और ये जो डिस्प्ले है वो है 120Hz का, एंड कलर काफ़ी अच्छे हैं। कंटेंट देखते हुए वाकई आपको मज़ा आने वाला है। डुअल स्पीकर का भी आपको इसमें सपोर्ट मिलता है। अगर इस फ़ोन के देखिए बैटरी के बारे में बात करें तो इस फ़ोन में 4500 mAh का बैटरी है, उसके साथ साथ 25W के चार्जर से ये चार्ज होती है। तो बैटरी के बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरे के बारे में। तो इस फ़ोन का कैमरा बहुत ज़्यादा लाजवाब है। इस फ़ोन में बैक में ट्रिपल कैमरा लगाए गए हैं, जो कि 12MP प्लस 12MP प्लस 8MP का OIS कैमरा है। इसमें 12MP का तो मेन कैमरा है, 12MP का आपको इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है, 8MP का आपको इसमें टेली फोटो लेंस देखने को मिलता है, जो कि लगभग 3x तक आपके फोटोज़ खींच सकता है पोर्ट्रेट मोड पे। एंड फ्रेंड्स, अगर फ्रंट कैमरे की बात करूं तो 32MP का आपको इसमें फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी सेल्फीज एंड फोटोज़ ले लेता है। मतलब फ़ोटो के मामले में इसका कैमरा A1 है, आप iPhone 13 से डायरेक्ट इसे कंपेयर कर सकते हैं। अब गाइस, बात करता हूँ इसके एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में, जैसे कि वाटरप्रूफिंग। तो फ़ोन आपका वाटरप्रूफ है, IP68 रेटिंग के साथ में आता है, पानी में डाल दीजिए फ़ोन ख़राब नहीं होगा। उसके साथ साथ फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है, 15W की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो ये सारे इसके एडवांस फीचर हैं। उसके साथ साथ सैमसंग इस फ़ोन के साथ में प्रॉमिस करता है 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट, 5 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट, ये आपको मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हो गई फ़ोन के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसकी अच्छाइयों और बुराई के बारे में। गाइस देखिए, फ़ोन का कैमरा बहुत ज़्यादा लाजवाब है। अगर कैमरे की बात करूँ तो मुझे कैमरा इसका A1 लगा। इस फ़ोन से मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो वीडियोस, एंड बहुत सारे फ़ोटोज़ भी हैं, वो सारे मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। इससे आपको मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाएगा फ़ोन का कैमरा कैसा है। फ़ोन में 4K 60fps का आपको सपोर्ट मिलता है विद स्टेबलाइजेशन फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरे में। अब गाइस, बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो इस फ़ोन का बैटरी थोड़ा सा कम रुकता है। आपको पता होता है कि छोटा जो कॉम्पैक्ट फ़ोन होते हैं उसमें बैटरी हम बड़ी नहीं डाल सकते हैं, उसमें छोटी ही बैटरी होती है, 4500 mAh की बैटरी है। ऐसा नहीं है बहुत कम रुकती हो, आप अगर इसे रेगुलर चलाएंगे, ऑन स्क्रीन टाइम इस फ़ोन का लगभग 5 घंटे के लगभग है। मतलब आप अगर ऑफिस जा रहे हैं, हल्का फुल्का फ़ोन यूज़ करना है, या फिर आप बहुत कम फ़ोन यूज़ करते हैं, आपको एक अच्छा फ़ोन चाहिए, प्रीमियम फ़ोन चाहिए, तो फ्रेंड्स आप इस फ़ोन को बाय करना। अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी टास्क करने हैं या फिर बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, पूरे पूरे दिन फ़ोन में लगे रहते हैं, तो आप इस फ़ोन को बाय मत करना। आपको हो सकता है 2 बार दिन में ये फ़ोन चार्ज करना पड़ जाए, क्योंकि इसकी बैटरी थोड़ी सी कम रुकती है। कॉम्पैक्ट फ़ोन है, बैटरी इसकी कम होगी, क्योंकि जितने भी कॉम्पैक्ट फ़ोन होते हैं उनकी बैटरी थोड़ी कम रुकती है, ये चीज़ मैंने अजमाई है रियल लाइफ में। अब गाइस, बात करते हैं फ़ोन की, देखिए हीटिंग इश्यू के बारे में।
बहुत सारे लोगों का डाउट है कि फ़ोन हीट करता है, हीटिंग इश्यू है इस फ़ोन में, तो आपको बता दूं फ़ोन के अंदर पहले हीटिंग इश्यू था क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर था वो सैमसंग का एक्सनोएस 2100 प्रोसेसर था जो कि हीट करता था फ़ोन को। और कॉम्पैक्ट फ़ोन होते हैं, छोटे फ़ोन होते हैं, तो हीट जो होती है उसे ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते हैं ठीक से, क्योंकि बड़े फ़ोन हैं उसमें दूर दूर पार्ट्स लगाए जाते हैं तो सारी हीट होती है वो पता नहीं लगती है। लेकिन कॉम्पैक्ट फ़ोन में पास पास में कंपोनेंट लगाए जाते हैं तो अगर हीट करेंगे भी तो आपका पूरा फ़ोन पता लगेगा कि हीट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती है, कॉम्पैक्ट फ़ोन अगर हीट करता है बहुत बड़ी बात नहीं है, कॉम्पैक्ट फ़ोन सारे लगभग हीट करते हैं। सैमसंग ने इसमें नया प्रोसेसर डाल दिया है, इसमें स्नैपड्रैगन 888 डाल दिया है, तब से फ़ोन के हीटिंग इश्यू कम आने लगे हैं। उसके साथ साथ इसके अपडेट्स आए हैं तब से हीटिंग इश्यू नाम मात्र के हो गए, मतलब आप फ़ोन हीट कम करता है। और बैटरी कम रुकने का भी चांस ये एक हो सकता है क्योंकि जब फ़ोन हीट करता है तो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करता है, इसलिए हो सकता है बैटरी इस वजह से भी इसकी कम रुकती हो। बाकी देखिए, अगर आप देखिए दिन में 2 बार फ़ोन चार्ज कर सकते हो, आपको हल्की फुल्की हीटिंग से कोई भी इश्यू ना हो, क्योंकि सारे फ़ोन लगभग हीट करते हैं, ऐसा नहीं है कोई भी फ़ोन हीट ना करता हो, लगभग सारे फ़ोन हीट करते हैं, आईफोन तक हीट करता है। तो देखिए हल्की फुल्की हीटिंग से आपको इश्यू ना हो तो आप इस फ़ोन को बाय कर सकते हैं। एक आपको प्रीमियम फ़ोन चाहिए, वाटरप्रूफिंग चाहिए, वायरलेस चार्जिंग चाहिए, एक फ्लेक्सिबल वाले सारे फीचर आपको फ़ोन में चाहिए तो आप इस फ़ोन को बाय ज़रूर करना, क्योंकि इस फ़ोन का जो प्राइस है वो काफ़ी घट गया है। जब स्टार्टिंग में ये फ़ोन आया था तो काफ़ी महंगा था, लगभग फ़ोन का प्राइस था उतने टाइम 70-80 हज़ार रुपये, लेकिन इसका प्राइस घटते घटते आज 28,000 के लगभग आ जाता है, 28,000-29,000 के लगभग आ जाता है। अगर फ्लिपकार्ट की कोई सेल आती है तो 31-32 का तो आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन ड्रॉप होता है इसका प्राइस, तो मैंने 28,999 तक का प्राइस इस फ़ोन का देखा है। तो इस प्राइस रेट पे ये फ़ोन आपके लिए शायद एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। मैं इस फ़ोन को काफ़ी यूज़ किया है, काफ़ी दिनों से भी यूज़ कर रहा हूँ, फ़ोन मुझे काफ़ी पसंद आया, ऐसा नहीं है, बस बैटरी में थोड़ा सा इश्यू मुझे मालूम पड़ता है। अगर इसकी थोड़ी सी ज़्यादा बैटरी होती तो भाई मज़ा आ जाता है, इतने सस्ते में इतना बढ़िया फ़ोन और कोई भी कंपनी नहीं देती है अभी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस फ़ोन को लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टैग वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहती हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले फ़ोन के साथ, अगली वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।